आज हम चिकन मिक्स बनाने जा रहे हैं। तो ये आप 1 किलो मकई है, कॉर्न के दाने फ्रोजन है, आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं, डब्बे के भी ले सकते हैं। और 1 किलो चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट का है, ये पीसीस करने, ऐसे छोटे क्यूब्स करने के है। और 1 किलो आलू है, जिसके पीसीज, ये आपकी मर्जी, आपको छोटे करना है, बड़े करना है, उसके भी, चिकन के भी, और ये भी आपके ऊपर आता है। और ये 250 ग्राम बटर है, ये 5 चमचे अदरक लहसुन है, ये 3 चमची नमक है, ये और 2 चमची काली मिर्ची की पाउडर, कुटा हुआ काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, और आधा कप सिरका है, वाइट विनीगर। अब हमको पहले बटर को पिघलाना है। इसका मज़ा बटर का ही है, मेन इसका ये जो टेस्ट है वो बटर का ही है। ये अभी हम पिघलाने जा रहे हैं। Okay, so the butter's melted now. Nanny's about to put 5 like small tablespoons of garlic ginger. It is a bit more because the flavor is like mostly based around this. So Nanny's just gonna pop that in. So it just has to fry off a little bit. Don't wanna darken it. And goes a black pepper. You can adjust this to like your taste buds. We do like it a bit peppery, so 3 teaspoons. 3 teaspoons salt. Again, adjust it to your liking. ये डिश अफ्रीका का है, इसको ऐसे ही खाया जाता है, मतलब रोटी या चावल के साथ नहीं खाया जाता है, ऐसे ही मज़े से, मतलब टी टाइम पर या आप लोग खाने के टाइम पर भी साइड ले सकते हैं, साइड डिश, बहुत मज़े का डिश होता है खाने के लिए। अब चिकन का जो अंदाज़ है, ये नहीं कि आप किलो को किलो डालो, आपकी मर्ज़ी, आधा किलो भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा नहीं पसंद तो, कौन भी जितना मर्ज़ी अपनी, यानी मकई के दाने जितना आपको डालना है। It's really good for like kids and also for fillings for pies and pastries. Chicken? हाँ, there's 1 kilo of chicken cubes. Give that a good mix. Okay, we're just gonna pop the lid on this and leave the chicken to cook. We don't want to dry off any of the water because we need it to cook the potatoes next. So yeah, just let the chicken cook off. अब ये तैयार हो गया, चिकन गल गई है। अब इसके अंदर हम कॉर्न डालने जा रहे हैं, मकई के दाने। अब आलू भी साथ में ही डाल रहे हैं क्योंकि कॉर्न को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्रोजन है ना, ये गल जाते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जूस में ही पकेगा। एक्चुअली इसके अंदर बटर ही है, बटर का ही जूस होगा ये अभी, और चिकन का अंदर निकलेगा, उसमें ही पक जाएगा दम में। इसको अभी हम दम में रखने जा रहे हैं। सो दिस इज डन नाउ, इट्स टेकन अ टोटल ऑफ अबाउट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स फॉर द पोटैटोज टू कुक एज वेल। रिमेंबर डोंट ऐड एनी वाटर, जस्ट लेट इट कुक इन द जूसेस दैट द चिकन रिलीजेस, इट जस्ट बिकम्स मोर टेस्टी। नानी इज जस्ट गोना ऐड सम विनेगर टू दिस नाउ, हाफ अ कप। You can adjust this as well to your taste, as so you can with the salt and pepper as well. नानी तुम्हारे इंडिया के फॉलोअर्स के लिए हो, तुम्हें बोलो तुम्हारी आवाज़ में। ये अफ्रीका का डिश है। अभी जो मैंने हिसाब दी, काली मिर्च कूटी हुई, तो मैंने 3 चमची डाली ना, तो उसमें आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ये फीका एकदम तेज़ नहीं है। आप लोग को लगा तो 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, जैसी तेज़ाई चाहिए, नमक और तेज़ाई जितना चाहिए आप डाल सकते। और ये ऐसा ही रहता है गीला गीला खाने के लिए, चमचे से खाते बैठने का इसको, बस इसमें धनिया या कुछ नहीं डाला जाता है,
ये डिश अभी तैयार हो गया, देखो आप। This is good for like a Ramadan prep as well. So like you can make this as a mixture and use it. If you wanted it for like samosas and spring rolls. Yeah, you could dry it up a bit more and have like the chicken cut slightly smaller for like rolls and samosas. Yeah.